हेलो फ्रेंड्स, कैन स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया ब्यूटी टिप्स, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोज़ वाटर के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, यानी कि गुलाब जल यदि आप उपयोग करते हैं तो इससे आपको किस तरह से बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिलाकर आप उसे टोनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जल त्वचा के लिए बेहतर टोनर का काम करता है। यह त्वचा को रूखा होने से बचाता है, साथ ही उसे मॉइस्चराइज युक्त भी बनाए रखता है। गुलाब जल त्वचा के पीएच को बैलेंस रखता है। टोनर के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करें, 2 चम्मच गुलाब जल को 1 चम्मच ग्लिसरीन में मिलाकर बोतल में भरकर रख लें और मॉइस्चराइजर लगाने से पहले टोनर की तरह इस मिश्रण को आप यूज़ करके अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा गुलाब जल का उपयोग जलन को शांत करने में भी कर सकते हैं। स्किन पर जलन के पीछे एक्जिमा, सोरायसिस, एलर्जी आदि के कारण हो सकते हैं। गुलाब जल त्वचा को तेजी से आराम पहुंचाता है क्योंकि इसमें शांतिदायक गुण होते हैं। गुलाब जल में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जो कि स्किन की सूजन, जलन और लालपन को दूर करने में लाभकारी होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गुलाब जल में रुई भिगोकर प्रभावित स्थान पर 15 मिनट तक लगाकर रखें और इसे आप रोज़ाना उपयोग करें, तो इस तरह से आपको जलन की समस्या से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा गुलाब जल जो होता है वह आपके चेहरे से पिंपल्स को हटाने में मदद करता है। रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल का उपयोग चेहरे के लिए किया जा सकता है और यह जो गुलाब जल होता है वह चेहरे के रोम छिद्र को साफ करता है और आपके स्किन के अतिरिक्त तेल को भी सोख लेता है, जिससे कि मुहांसे उत्पन्न नहीं होते हैं। गुलाब जल त्वचा को के पीएच को बैलेंस करता है। इसमें इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल में मिलाकर इसका फेस पैक बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं, तो यह आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। इसके अलावा यदि आपकी एड़ियाँ फटी हैं तो क्या करें, आप गुलाब जल और ग्लिसरीन फटी एड़ियों को भी ठीक करने में मदद करता है। गुलाब जल में विटामिन ए, विटामिन B3, सी और डी होते हैं, जो त्वचा को रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करें, 2 चम्मच गुलाब जल को 1 चम्मच ग्लिसरीन में मिलाकर रख लें और रात भर फटी एड़ियों पर लगाकर रखें। अगले दिन हल्के हल्के गर्म पानी से पैर धो लें। ऐसा कई सप्ताह तक आप कर सकते हैं, इससे आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी एड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपने होठों के लिए भी गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। होठों को गुलाबी और मुलायम बनाने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसके लिए आप रोज़ाना सोने से पहले गुलाब जल को चुकंदर के रस में मिलाकर लगाइए, तो इससे आपके होंठ बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप मेकअप लगाना पसंद करती हैं और आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप नेचुरल तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप गुलाब जल से अपने चेहरे का मेकअप बहुत ही आसानी से हटा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ़ायदे जो कि गुलाब जल के होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।